अरे बाप रे, इतनी देर पॉटी रोकने की वजह से मेरा तो पेट ही दुखने आ गया है। और ये फ्रैंकलिन भैया है कि वॉशरूम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। एक बार फिर से बुला के देखता हूँ। फ्रैंकलिन भैया जल्दी से बाहर आओ। चुप यार, पहले मेरा पेट तो खाली होने दे। आपका है ना दिमाग खराब हो गया है। 15 मिनट हो गए आपको अंदर जाए। बस 5 मिनट दे दे, मैं बाहर आ रहा हूँ। उस तरह की मुझे लगता है अब मुझसे नहीं रुका जाएगा। एक काम करता हूँ, जल्दी जल्दी बाहर भागता हूँ, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। हाँ गाइस, पेट खाली करके क्या मजा आता है। एक मिनट, ये क्या? अबे यार, ये सब पक्का चौप का काम होगा। शी, ये क्या है? मेरे पूरे बेडरूम को ही गंदा कर दिया। अब तो उसकी खैर नहीं, आज उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। चौप, कहाँ है तू? ये रहा गाइस। एक बात बता चौप, तुझे थोड़ी भी शर्म है या नहीं है? ये मेरा घर है, तेरा टॉयलेट नहीं। अरे मैं क्या करूँ, मुझे बहुत तेज आई थी और आप तो बाहर ही नहीं आ रहे थे। मैंने तुझे बोला था ना बस 5 मिनट, इतना सा नहीं रुक सकता था तू? पूरे घर में बास आ रही है। अरे अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता तो मैं क्या करूँ? मैं तो फिर भी बाहर भाग रहा था पर बीच में ही हो गया। मैं यार है ना थक गया हूँ, तुझसे भी और शिनचैन से भी। अरे शिनचैन से याद आया, हमें उसे लेने भी तो जाना था। अबे हाँ यार, तेरे चक्कर में मैं ये भी भूल गया। चल जल्दी से। पर ये मत समझना कि आज जो हुआ वो मैं भूल जाऊंगा, ये सब तुझे ही आके साफ करना है। गाइस यार, परेशान करके रख दिया है मुझे। अरे मैं क्यों साफ करूंगा, ये तो बहुत गलत बात है। वाह भाई, तूने घर में पॉटी की और मैंने तुझे साफ करने बोला तो ये भी गलत बात है? पर वो मेरी गलती थोड़ी ना थी, वो आपकी गलती थी। चौप है ना, ये सब बहाने देने बंद कर दे, ये तूने पहली बार तो किया नहीं है। अरे पर कुछ नहीं, और हम लोग शिनचैन के स्कूल पहुंचने वाले, यहाँ पर अपना मुंह बंद रखना वरना ये लोग क्या बोलेंगे, कौन सा पॉटी वाला टॉपिक लेके चल रहे। चलो गाइस जल्दी से उतरते हैं। अरे सर, मैं शिनचैन का भाई हूँ, उसे लेने आया हूँ। हाँ वॉस आप तो ठीक है, पर जरा अपने छोटे भाई को समझाओ, बहुत शरारती हो गया है। अरे यार ठीक है, मैं समझा दूंगा, जैसे कि वो समझ ही जाएगा। एक मिनट, क्या बोला तुमने? छोड़ो, जाने दो, शिनचैन तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है, चलो तैयार हो जाओ। अरे वो तो मुझे भी दिखाई देता है, मैं अंधा थोड़ी ना हूँ। अरे मैं तो बस तुम्हें बता रहा था, देखा तुमने, देखा कैसा जवाब देता है ये, इसे थोड़े मैनर सिखाओ। शिनचैन अपना मुंह बंद रख और चल यहाँ से। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया, और सर मैं आपको एक सलाह देता हूँ, आप थोड़ा कम खाया करो वरना एक दिन आपका पेट फट जाएगा। एक मिनट, क्या बोला तुमने? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। शिनचैन चुपचाप से आके गाड़ी में बैठ, जल्दी जल्दी निकलते हैं यार यहाँ से। अरे मेरा भी इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। मैं है ना सच्ची में परेशान हो गया तुम दोनों से। सुबह सुबह इस कुत्ते ने घर पे पॉटी कर दी और तेरे स्कूल में तेरे टीचर से मुझे डांट पड़ रही है। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या गलती की। अरे आपने कोई गलती नहीं की है, अब बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। चुप, तू तो मुझे सिखाई मत। यार किसका कॉल आ रहा है बीच में? टोनी। हाँ बोल भाई। फ्रैंकलिन तुम अभी कहाँ पर हो? मैं शिनचैन को लेने के लिए स्कूल आया हुआ था। तो एक काम करो, वहाँ से घर मत जाना, सीधा यहीं पर आ जाओ। अरे पर हुआ क्या? एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। गाइस यार जल्दी से गाड़ी को भगाते हैं, पता नहीं इस बार क्या हुआ होगा। तुम दोनों उतरो जल्दी गाड़ी से, फटाफट अंदर जाते हैं। गाइस कहाँ गया टोनी? ये रहा। रुक जाओ रुक जाओ, इतनी तेज भाग कर मत आओ, तुम गिर भी सकते हो। अरे यार मेरी चिंता मत कर, और ये बता के यहाँ पर क्यों बुलाया है? फ्रैंकलिन तुम्हें तो पता ही होगा, मैंने अल्ट्रॉन को बहुत बार हराया है पर इस बार वो वापस से आ गया, और वो भी एक नए प्लान के साथ। क्या अल्ट्रॉन फिर से आ गया है? और नया प्लान? मैं कुछ समझा नहीं भाई, पहले मुझे समझा अच्छे से। अच्छा ठीक है रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। अल्ट्रॉन को पता था कि मैं उसे इस बार भी हरा ही दूंगा, इसलिए उसने दूसरी चाल चली। वो बहुत सारी लैब्स में गया, यहाँ तक कि हमारे यहाँ भी आया था। यहाँ से उसने बहुत सारी टेक्नोलॉजी और हमारे बहुत सारे सूट चोरी किए। उसके बाद वो लग गया अपने प्लान में, उसने जो भी सामान चोरी किया था उससे उसने बहुत सारे रोबोट्स बनाए। वो रोबोट्स उसकी तरह ताकतवर तो नहीं थे पर वो अल्ट्रॉन जितने ही स्मार्ट थे। मुझे लगा कि वो अपनी आर्मी की मदद से शहर में अटैक करने वाला है, पर बात कुछ और ही थी। वो एक ऐसी चीज क्रिएट करना चाहता था जिसे हराना नामुमकिन हो। उसने अपनी आर्मी को लगा दिया एक रोबोट बनाने में, और वो कोई एरा गेरा रोबोट नहीं था, वो था मास्टर मोल्ड। इतना काम हुआ है, मुझे जवाब दो। सर ये हो नहीं वाला है, बस कुछ ही दिनों की बात है इसकी बॉडी बनकर तैयार हो जाएगी, बस इसके AI पर काम करना बाकी है। तो ये थी पूरी कहानी। अगर उन्होंने वो रोबोट पूरी तरीके से बना लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या बात कर रहा है, मास्टर मोल्ड? ये तो मैंने पहली बार सुना है। अब मुझे एक बात बता, तूने कहा कि उसने तेरे सारे सूट चुरा लिए, तो हम उसे हराएंगे कैसे? मेरे पास जो भी सामान बचा था उसे मैंने तुम्हारे लिए सूट बनाया है, तुम्हें वो सूट पहनकर जाना होगा, और बाकी के एवेंजर अल्ट्रॉन्स के रोबोट को रोकेंगे। वो सूट तुम्हें अपने राइट साइड में मिल जाएगा। अच्छा ठीक है गाइस, यार जल्दी से जाके देखते हैं। ओ भाई साहब, जरा ये आर्मर तो देखो गाइस, ये मार्क 1 जैसा ही है पर काफी अलग है। अब कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो गाइस जल्दी से लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं जाके ये सूट पहन लेता हूँ। भाई साहब ये तो बहुत भारी है। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से जाता हूँ टोनी के पास। भाई मेरी बात सुन, तुझे लगता है इस सूट की मदद से मैं उन्हें हरा पाऊंगा? मुझे पता है तुम इसकी मदद से उसे नहीं हरा सकती, पर फिलहाल मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम्हें खुद ही पैसे जमा करने होंगे ताकि तुम इस आर्मर को अपग्रेड करने के लिए पार्ट्स खरीद सको और एक नया आर्मर ले सको। अच्छा ठीक है गाइस, यार अब जल्दी से।
निकलते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अभी हम लोग पैसे कैसे जमा करेंगे। हर बार यार मैं कहां से पैसे लाऊं, मैं थक गया हूं यार इन सब चीज से। पर जमा तो करने पड़ेंगे। एक मिनट, अबे यार रोड पर इतने सारे नोट बिखरे पड़े, ये जा तो इस तरफ रहे है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है? यहाँ पक्का कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से जाके चेक करता आखिर में मामला क्या है। यहाँ तो बहुत सारे पैसे है यार, जरा छुप के देखे। ओके तो गाइज अब मैं समझ गया हूँ क्या हुआ है। ये सारे कैदी जेल से भाग गए होंगे और इन्होंने एक बैंक को लूटा, पर वहाँ से भागने में नाकामयाब रहे। इनकी ट्रक पलट गई और इनको पुलिस ने पकड़ लिया। देखो वहाँ पर तो चोर पुलिस का गेम चल रहा है और यहाँ पर बहुत सारा पैसा पड़ा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है सिवाय मेरे, और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो क्यों ना ये सारे पैसे फटाफट उठा ले। ओहो भाई $1,000,000। इससे पहले कि पुलिस मुझे देखे मुझे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर बाइक्स रखी हुई है, मुझे लगता है ये भी उन चोरों की होगी। चलो अपने को क्या यही लेके निकलते जल्दी से, आज चोरों ने हमारी मदद कर दी। मजा आ गया। एक मिनट की आवाज कैसी, वो पैसे लेके भाग रहा है, उसे रोको। वही पर रुक जाओ मैं कहता हूँ। अरे यार ये तो हाथ से निकल गया, जल्दी से सबको इन्फॉर्म करता हूँ। एक मिनट यार ये सायरन की आवाज, ओ भाई। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों को पता चल चुका है और ये लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अमाउंट भी छोटी नहीं है। मैंने पूरी $1,000,000 चुरा है। अबे यार इनसे कैसे बचूं मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो यहाँ तो सोच के भी मतलब नहीं है, कैसे भी करके इनसे पीछा छुड़ाना। भागो भागो भागो। अबे नहीं यार ये तो सामने आ गया। चलो एक गाड़ी तो गई, हेलीकॉप्टर्स भी अपना पीछा कर रहे हैं। अब इनकी नजर से कैसे बचूं? अब मुझे बाइक को अपनी पूरी स्पीड में भगाना ही होगा। अबे नहीं 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 नहीं, ये गाड़ी तो हमें ठोक देगी। ओ क्या बचाऊं मैं यार। गाइस यार इसके लिए तो एक लाइक कर दो। मुझे लगता है मैंने पुलिस को थोड़ा पीछे छोड़ ही दिया है, यही मौका है गायब होने का। सामने कंस्ट्रक्शन साइट है, एक काम करता हूं इसके अंदर जाके छुप जाता हूं, उनको पता ही नहीं चलेगा। जल्दी जल्दी इससे पहले कि वो लोग मुझे देख ले। यहां से सीधा ऊपर जाता हूं, नीचे तो रहूंगा ही नहीं। फाइनली गाइस मुझे लगता है कि अभी हम लोग सेफ है। जल्दी से गाड़ी को यहां पर रुकाता हूं, मतलब के बाइक को। अब जाके सूट चेंज करते हैं, देखते हैं कि $1,000,000 में कौन सा सूट है। और ये बाइक, ओ भाई साहब गाइस यार पहला ही सूट इतना तगड़ा। वैसे देखा जाए तो ये दूसरा सूट हुआ। फोन वाइब्रेट की हो रहा है यार, ये कैसा मैसेज है? लॉस सेंटोस में होने वाला है एक रैम चैलेंज, जो भी जीतेगा उसे मिलेगा तगड़ा इनाम। गाइस यार क्या बात है, ये तो हमारे काम की चीज है, हमें वहां पर जाना चाहिए। जल्दी से फोन को रखता हूं, जाता हूं। नहीं 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 नहीं, गए गए गए, आउच। भाई इसलिए कहते हैं रास्ते में चलते टाइम फोन नहीं यूज करना चाहिए। चलो छोड़ो यार, अच्छा है आर्मर पहना था, अंकल भी डर गए, उनका बर्गर गिर गया। अब जल्दी जल्दी पहुंचते हैं गाइस वहां पर। देखो जगह तो यही थी और मुझे लगता है यही ऑर्गेनाइजर होंगे। सर मुझे जल्दी बताइए क्या करना है। हाँ हाँ बताता हूँ, ये एक रैंप रेस होने वाली है और जीतने वाले को मिलेंगे $5,000,000। रैंप तो तुम देख ही सकते हो काफी खतरनाक है, इसलिए सोच समझ कर ही अंदर कूदना। अरे यार आप मेरी चिंता मत करो, कोई रूल्स वगैरह है तो बता दो मुझे जल्दी। यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, तुम दो जनों के बीच में रेस होगी, जो पहला आया वो जीत गया। तो गाइस जल्दी से जाके गाड़ी में बैठते हैं, हमारी रेस इसके साथ होने वाली है। चलो ये तो बैठ गया अंदर। जिन्होंने लाइक नहीं किया जल्दी से कर दो। और ये मैं चला। गाइस यार हम लोग तो स्टार्टिंग में आगे निकल गए। ओ भाई साहब ये ढाल कुछ ज्यादा ही लंबी और सीधी है यार। अबे नहीं नहीं नहीं, ये जंप भारी पड़ सकती है हमें। जरा पीछे देखो, उसको भी भारी पड़ गई है। ओ भाई भाई गाड़ी को सीधी करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर। अबे नहीं हमारी गाड़ी तो उल्टी हो गई है यार, जल्दी से सीधी हो। अबे यार इस चीज का तो उसको फायदा हो गया, वो तो कूद के सीधे ही आगे निकल गया है। नहीं नहीं नहीं, मैं उसको ऐसे आगे जाने नहीं दे सकता, हम लोग बस नीचे पहुंचने वाले। गाइस वो थोड़ा सा ही आगे, अभी भी हमारे पास चांस है। ये चढ़ान काफी लंबी है, गाड़ी को फुल स्पीड करनी होगी। और ये मैं पहुंच गया। ओ भाई भाई भाई, अबे यार ये इतनी टक्कर क्यों मार रहा है, क्या साइड से आगे निकला ये। इसकी तो मैं आगे तो जाने नहीं दूंगा, हट। जरा देखो तो सही, चलो थोड़ा तो पीछे छूटा, अब मौका हमारे हाथ में। अबे यार यहाँ ब्लेड से टकराना जाऊ। और ये स्ट्राइक, अबे ये वाला गिरा ही नहीं, इसके चक्कर में ये फिर से आगे निकल गया। कोई नहीं ज्यादा भी आगे नहीं गया है। वो रहा, टेंशन मत ले भाई, ज्यादा दूर जाना नहीं दूंगा मैं। चलो 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 यहाँ से टर्न लेके अभी हमें सीधा ही जाना है, आराम से आराम से आराम से। और ये मैं चला। ये रास्ता काफी खतरनाक है। ओ भाई साहब ये तो वापस से नजदीक आ गया, ठीक हमारे बराबर चल रहा है। अबे यार ये क्या लोचा है, अभी ये आगे और इस जगह तो मैं इसको ओवरटेक भी नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ओहो इसकी गाड़ी उल्टी हो गई थी यहाँ पर। चलो 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 चलो, रुकना नहीं है, वो ठीक हमारे पीछे गाइस। ओहो क्या सीधी हुई है गाड़ी। और एक चीज का फायदा इसको फिर से हुआ गाइस, इसकी गाड़ी जब भी उलट पुलट होती है ना ये हमसे आगे निकल जाता है। चलो 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 यहाँ पर अटक गया ये, अब आड़ी टेढ़ी चला के जाना पड़ेगा क्योंकि रास्ते काफी छोटे छोटे हैं। चलो 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 चलो, बस ये लास्ट वाला था, इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। ओ भाई चलो चलो गाइस वो आने वाला है, आ गया, ये बस आखिरी जंप है। कैसे भी करके इससे पहले मैं प्लेटफॉर्म टच कर दूं और ये मैं जीत गया गाइस, क्या बात है यार।
वो इसने जम मार के क्या गाड़ी क्रॉस की है, पर काफी अच्छी टक्कर दी है इसने, मानना पड़ेगा। बुरा तो काफी लग रहा है पर क्या ही कर सकते हैं, जीतना तो किसी एक को ही था और हम जीत चुके पूरे $5 मिलियन। तो जरा देखे तो सही $5 मिलियन में कौन सा सूट है। वो एक व्हाइट हल्क बस्टर, और इसके तो सींग भी है यार। ये सूट मैं पहली बार देख रहा हूँ। अबे यार किसका फोन आ रहा है? टोनी फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम जो भी कर रहे हो वो सब छोड़ो और फटाफट शहर के बीचों बीच पहुँचो। वहाँ पर एक मॉन्स्टर बहुत तबाही मचा रहा है, इससे पहले वो ज्यादा नुकसान पहुँचाए तुम्हें उसे रोकना होगा। क्या बोल रहे तू? अच्छा ठीक है मैं पहुँचता हूँ। गाइस यार क्या मुसीबत है, मुसीबत में मुसीबत है ये तो। एकदम सही कहा, आपकी तो हालत खराब कर दी है। जरा देखो तो सही, चारों बाजू आग ही आग लगी हुई है। वो रहा सामने मॉन्स्टर, इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा। अबे तू है कौन? तुम कौन हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। अबे रास्ते में मैं नहीं, तू है, तू यहाँ पर आया है और तुझे रास्ते से कैसे हटाना है मुझे पता है। अच्छा तू मारेगा मुझे, लगता है तुझे भी सबक सिखाना पड़ेगा। गाइस ये ऐसे नहीं मानेगा, तेरी तो ये ले। लगता है गाइस हमने इसे सबक सिखा ही दिया है, मानना पड़ेगा इस सूट की पावर को। अबे कहाँ गया, यही पर तो था। लगता है हमने अपनी तारीफ थोड़ी जल्दी कर दी। ओहो एक घुमा के पंच देता हूँ और ये सीधा जमीन पर। एक मिनट, इसकी हाइट छोटी कैसे हो गई? अबे ये खुद को बड़ा छोटा भी कर सकता है। तो तुम्हें क्या लगा था मैं कोई मामूली मॉन्स्टर हूँ? मामूली तो नहीं है पर मेरे सामने मामूली है तू। अबे नहीं नहीं नहीं, गाड़ी नहीं। ओ भाई यार ऐसा उठा के पटकूंगा ना, अब पता चलेगा इसको। और ये ले, अब तो तू गया बेटा। और ये खा। नहीं 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 नहीं, पास नहीं आना, पास नहीं आना। इस सूट में कमाल की मिसाइल्स है, हीरो जैसे खड़े होके मार रहा हूँ ना। आजा आजा आजा, तेरा बैंड बजाता हूँ। ये गया और एक फिर से इसकी हालत खराब करके छोड़ूंगा। और ये गया, अरे उठ अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और ये ले। ये तुमने क्या किया? बेचारी की हालत खराब हो गई है। कहा गया सामने आ। ये रहा गाइस, तेरी तो ये ले। अरे अरे फिर से खड़ा हो गया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, अब तो इसको लेजर से जला के राख कर दूंगा मैं। अब उठना क्या हुआ? गाइस मानना पड़ेगा ये सूट कमाल का है यार, ये बेचारा तो जल के काला हो गया है। चलो कोई बात नहीं। एक मिनट, हमारे अकाउंट में $10 मिलियन आ गए। गाइस जल्दी से सूट चेंज करते हैं, देखते $10 मिलियन में कौन सा सूट है मार्केट में। और ये बाय। गाइस साहब जरा चेक तो करो, कितना खतरनाक लग रहा है ये, दिखने में कितना डेंजर है। अरे यार अब किसका कॉल आ रहा है? साइमन ये मुझे इस टाइम कॉल की कर रहा है। आ रहा फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो। हाँ बोलना। दरअसल मुझे गाड़ी चाहिए, अगर तुमने मुझे वो गाड़ी ला के दे दी तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। क्या बात कर रहा है, बता कहाँ पर है वो गाड़ी? हाँ दरअसल वो गाड़ी तो मिलिट्री बेस में है। क्या मिलिट्री बेस में? अरे हाँ वो कर्नल की गाड़ी है, कल ही उसे वहाँ पर लाया गया है। और बात ये है की ऐसी गाड़ी पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं है, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। गाइस यार पैसे कमाने का अच्छा मौका मिला है, और वैसे भी आगे का सूट पूरे $15 मिलियन का है। देखो भाग के तो वहां तक जा नहीं सकता, मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। एक काम करता हूँ इसकी ले लेता हूँ। दीदी मुझे माफ करना पर मुझे आपकी गाड़ी चाहिए, जल्दी जल्दी लेके निकलता हूँ। ओहो दीदी तो पीछा कर रही थी। देखो गाइस मिलिट्री बेस यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, कम से कम हमें एक घंटा तो लग ही जाएगा, तो गाड़ी को इसकी पूरी स्पीड में भगाते हैं। वैसे तो गाड़ी काफी नली है, ज्यादा स्पीड भागेगी भी नहीं। चलो जैसे तैसे करके यहाँ पर तो पहुंचे, हमें गेट तोड़ के आगे जाना होगा क्योंकि एंट्री तो कोई देने वाला नहीं है, बस किसी को पता ना चल जाए। अब अच्छी जगह देख के गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, ये जगह ठीक रहेगी। गाड़ी को यहीं पर रोक देता हूँ और फटाक से जाके गाड़ी को ढूंढता हूँ, क्योंकि मिलिट्री बेस बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे नहीं पता कि वो गाड़ी कहाँ पर रखी हुई हो सकती है। बस मुझे कोई देख ना ले, मुझे इसी चीज का डर है। ओ तेरी की, ओ बच गए। यहाँ तो पूरी पलटन खड़ी है, जरा देखो तो सही गाइस, हमें एकदम दबे पैर जाना होगा, एकदम धीरे धीरे। इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर एक को पता चला तो या तो ढिंडोरा पीट जाएगा और उसके बाद मैं अलग से पिटूंगा। ओहो जरा सामने तो देखो गाइस, मुझे लगता है वही हमारी गाड़ी है, दिख तो काफी खतरनाक रही है यार। अबे यार ये क्या पड़ा है रास्ते में? एक मिनट, आवाज कैसी है, वो कौन है? मुझे लगता है कोई घुसपैठिया घुसाया है। ए रुक जा, तेरी तो मैं ये ले। अबे नहीं यार गाइस, गोलियां चलने लग गई, लगता है इन्हें पता चल चुका है। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब खुले में भागना होगा। देखो आर्मर की वजह से हमें गोलियां तो लगेगी नहीं, हमें गाड़ी को सेफली पहुंचाना है, इसलिए मैं ज्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकता और इन्हें रोक नहीं सकता, मुझे गाड़ी में बैठ के सीधे निकलना होगा। जल्दी जल्दी बैठता हूँ। चलो जा चलो जा, चलो चालू हो गई। ये हुई ना बात। अबे यार जरा देखो तो सही, यहाँ पर कितने सारे मिलिट्री वाले, और मुझे लगता है अब तो और भी आएंगे। थोड़ी और स्पीड में भगाता हूँ, ये गाड़ी तो एकदम सामने ही आ गई थी। गाइस यार ऐसे तो हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इन्होंने आगे का रास्ता भी बंद कर दिया होगा। एक मिनट, एक आइडिया है मेरे पास, ये कार्गो प्लेन। जल्दी जल्दी गाड़ी को इसके अंदर डाल देता हूँ, यही ठीक रहेगा। मुझे लगता है ये गाड़ी कार्गो प्लेन से निकल ही रही थी और पलटी हो गई। अब जल्दी से अंदर जाके गेट को बंद करता हूँ और यहाँ से उड़न छू हो जाता हूँ। अब यार खुल जल्दी से। चलो चलो खुल गया बैठते अंदर फटाफट। अब पता नहीं चालू होने को कितना टाइम लेगा। चलो हो गया गाइस, फटाफट
फटाफट से टर्न मारना है और इसे ट्रैक पर लेके जाना है, क्योंकि ये ऐसे तो उड़ेगा नहीं, थोड़ी तो स्पीड की जरूरत पड़ेगी। चलो चलो, यही सही मौका है। और ये हमने भरी उड़ान। गाइस यार मुझे लगता है हम लोग निकल गए। नहीं, ये लोग अभी भी फायर कर रहे हैं। अब यार ये क्या, हमारी प्लेन के पीछे से तो धुआं निकलने लग गया। मुझे इसे कहीं पर लैंड करवाना होगा। अब तो जो जगह मिले और जो पास में हो मुझे वहीं पर चलना होगा। काम करता हूँ, यहीं पर लैंड करवा देता हूँ। बस आराम से हो जाए, आराम से हो जाए। ओ और ये हो गया, बस यहीं पर रोकता हूँ। चलो चलो जल्दी निकलते हैं। अब यार ये मिलिट्री वाले, अब तो रोकना ही पड़ेगा। तुम्हारी तो मैं, ये लो, मैं मारना तो नहीं चाहता था पर अब ये मेरी मजबूरी है। देखो गाइस ये लोग तो आते ही रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर जितने हैं ना, मुझे उन सबको निपटाना होगा ताकि मैं गाड़ी को लेके निकल सकूं। यहाँ पर भी एक गाड़ी है, ये भी गई। अब थोड़ा बहुत मजा इनको हाथ से भी चका देते हैं। ये ले, एक गया, अब दूसरे की बारी। और ये लो मेरी मिसाइल खाओ। चलो गाइस आधे से ज्यादा लोगों को मैंने यहाँ पर कम कर दिया है, अब बस थोड़ी बाकी है। पर मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे गाड़ी की डिलीवरी भी करनी है। जल्दी जल्दी जाते हैं गाड़ी के पास। ये रही, अब निकालता हूँ इसे। ये गाड़ी गाइस काफी ज्यादा मजबूत है, इसे इतनी गोलियां लगी पर कुछ हुआ ही नहीं। और ये काफी ज्यादा स्पीड भागती है। मुझे बस इन लोगों से पीछा छुड़ाना है और जाके ये गाड़ी साइमन को देनी है, उसके बाद जो होगा वो देख लेगा। क्या भागती है यार ये। देखो गाइस गाड़ी को बाहर खड़ी नहीं कर सकते, सीधा इसके डीलरशिप के अंदर ही घुसा देता हूँ। और ये वैसे भी काफी महंगी होगी, कहीं बाहर किसने चोरी कर ली तो। साइमन देख मैं क्या लेके आया हूँ, यही गाड़ी चाहिए थी ना तेरे को, अब ले ले। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, मुझे लगा नहीं था तुम लेके आ पाओगे। हाँ वो मुझे अच्छे से पता है, अब जल्दी से ला मेरे 15 मिलियन डॉलर। अरे यार 15 मिलियन डॉलर, अच्छा ठीक है चलो, तुमने इतना बड़ा काम किया है, पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। गाइस यार 15 मिलियन डॉलर मिल गए, मुझे लगा नहीं था ये मानेगा, पर यार मजा आ गया। आप जल्दी से जाके अपना सूट चेंज करते हैं, देखते हैं कि 15 मिलियन डॉलर में कौन सा सूट है। ये कोला मार्केट और ये बाइक, ये तो मिक्सर लग रहा है यार, स्पाइडरमैन का लोगो बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा हल्क बस्टर भी लग रहा है, पर जो भी ये काफी खतरनाक है। चलो गाइज अब चलते हैं यहाँ से। ओहो जरा सामने तो देखो। ओ भाई साहब एक मिनट, ये तो कैप्टन है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। कैप्टन तुम तो रोबोट्स के पीछे गए थे ना, मुझे उनके बारे में पता चल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें बताने आया हूँ। क्या बात कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। कहाँ पर है वो लोग, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, हम दोनों जन मिल के उन सारे रोबोट्स को हरा देंगे। अच्छा ठीक है चल जल्दी जल्दी से आ जाओ और मेरी बाइक पर बैठ जाओ, वो जगह थोड़ी सी दूर है, हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है पर बाइक थोड़ी आराम से चलाना। ये देखो फिर से शुरू हो गया। अबे तू ऐसे बाइक क्यों चलाता है। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, मैं अभी शांति से नहीं चला सकता, आराम से भाई। ओहो जरा सामने देखो, हम लोग पहुँच गए गाइस। चलो फ्रैंकलिन आ जाओ मेरे पीछे, ध्यान रखना ये लोग बहुत ज्यादा है। हाँ वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, इन सबको हराने में तो टाइम चला जाएगा। तुम एकदम सही कह रहे हो। एक मिनट, अल्ट्रॉन भाई साहब ये भी यही पर है। चलो अच्छा हुआ तुम भी यही मिल गए, अब तुम नहीं बचोगे। बचोगे तो तुम नहीं, तुमने यहाँ पर आके गलती कर दी है। देख अल्ट्रॉन ये सब बंद कर दे, अब कुछ बंद नहीं होने वाला है, जो होना है होकर रहेगा। कैप्टन ये ऐसे नहीं मानेगा, तू रोबोट्स को संभाल मैं इसको संभालता हूँ। अच्छा ठीक है पर संभल के, ये बहुत खतरनाक है। और ये गया पहला, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अकेले हो, तुमने गलती कर दी, अब भुगतो। अबे यार छोड़ मेरा गला, मुझे सांस नहीं आ रही है। चिंता मत करो अभी आएगी, ये लो। ओ भाई आउच, इसकी तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जल्दी जल्दी बाहर निकलता हूँ, पहले तो यहाँ से। आ गया वो सामने, आ ये लो। ओ अबे यार इसने तो आग ही लगा दी थी, भागो भागो भागो। ओ नहीं नहीं नहीं, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, ये ले। अबे यार इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा, तेरी तो ये खा। और ये ले, अबे भाई यार एक बार फिर से मारते इसको, ये ले और ये खा। गाइस यही मौका है हमारे पास। ओ भाई सब फिर से, मुझे यहाँ से भागना होगा। फिलहाल जो पैसे हमें मिले ना गाइस, मुझे जल्दी से जल्दी सूट को चेंज करना होगा। जल्दी से उड़ के जाता हूँ दूर, ये जगह ठीक रहेगी। यही पर अपना सूट चेंज कर लेते हैं फटाफट, देखते हैं मार्केट में कौन सा सूट है। और ये बाय, ओ भाई साहब ये तो काफी फिट है और दिखने में भी काफी खतरनाक, थोड़ा सा डरावना है। अब मजा चकाते अल्ट्रॉन को, कहाँ पर है सामने आ। ओ भाई इसकी तो मैं, आजा भाई अब बताता हूँ तुझे। और ये ले, क्या हुआ कहाँ जा रहा था, ऐसे ही मेरा गला दबाया था ना, अब मैं भी बदला लूंगा, तेरी तो जा यहाँ से। गाइस यार हमने इसकी हालत टाइट कर दी है, अब चुपचाप चला जा यहाँ से। मेरे यहाँ से जाने पर भी कुछ बदलने वाला नहीं है। एक मिनट मैं कुछ समझा नहीं, सीधे सीधे बता। मुझे पता था तुम हमें हरा दोगे, ये तो बस एक छलावा था ताकि हम तुम्हें बिजी रख पाए और हमारे बाकी के रोबोट्स मास्टर मॉल्ड को जिंदा कर दे, और वो उसमें कामयाब भी हुए, वो शहर की तरफ ही बढ़ रहे हैं और तुम अब कुछ नहीं कर सकते। अबे तेरी तो ये ले। गाइस यार इसने तो हमें उल्लू बना दिया, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, उसे शहर में पहुँचने नहीं दे सकते। वैसे अल्ट्रॉन को मारने के हमें 50 मिलियन डॉलर मिले। गाइस ये रहा मास्टर मॉल्ड, ये तो साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अबे यार जरा देखो तो सही, गाइस इसे
हराएंगे कैसे? हमें कुछ करना होगा। देखते हैं कि 50 मिलियन डॉलर में कौन सा सूट आता है। और ये बाइक, ओहो ये तो एक योद्धा लग रहा है। इसमें कोई और फीचर है या नहीं? ये बटन किस चीज का है? ओ गाइस, इसे दबाते ही मैं बड़ा हो गया हूँ। तुमने ये कैसे किया? मेरे रास्ते से हट जाओ। ऐसे कैसे हट जाऊँ? आ सामने तेरी तो। ओ भाई क्या तगड़ी चमाट पड़ी है गाइस, यार काफी ज्यादा पावरफुल है ये। अब मेरा दिमाग खिसक रहा है। अब आया ना हाथ में, ऐसा फेंकूंगा ना। ओ काफी दूर निकल गया। एक और बार, और ये ले। वो ये पावर भी थी हमारे पास। ये हथियार काफी अच्छे गाइस, कमाल के वेपन है हमारे पास। अब तो ये गया। अब भाई ये तो एकदम से ब्लास्ट हो गया। चलो गाइस खतरा टल चुका है, हमने आखिरकार कर ही दिखाया। अब जल्दी से अपने नॉर्मल साइज में आ जाता हूँ। चलो।